राजधानी रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित खेल मड़ई में मंगलवार को बैडमिंटन के डबल्स का फाइनल मुकाबला यूनियन क्लब कोर्ट में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में सुशील अग्रवाल और चंदन साहू की जोड़ी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। बैडमिंटन प्रतियोगिता के इस फाइनल मुकाबले के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि यातायात विभाग के एडिशनल SP एस मंडावी रहे, तो अध्यक्षता ग्रैंड न्यूज के CMD और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने की। इस मौके पर अतिथि के तौर पर CSP सतीश ठाकुर भी शामिल हुए। समापन अवसर पर अध्यक्षता कर रहे ग्रैंड न्यूज के CMD श्री होरा ने कहा कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ी भावना जागृत होती है। श्री होरा ने कहा कि कलम के सिपाहियों को मंझे हुए खिलाड़ियों की तरह मैदान पर खेलते देखना बेहद अच्छा लगता है। अतिथिगण, सभी हमारे प्रेस जगत के विभिन्न विधाओं से सुसज्जित खिलाड़ीगण, जैसा कि आपको विदित है कि 3-4 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ, खेल मड़ई का जो आगाज है वो प्रेस क्लब द्वारा हो गया। बहुत सारे खेल इसमें खेले जाएंगे, कैरम भी होने वाला है, शतरंज भी है और विडियन भी है, ग्रामीण भाई बोलते समापन क्रिकेट से होगा। तो बहुत सारा आयोजन जो है, हमारे अध्यक्ष जी का, मैं भी एक संस्थापक सदस्य हूँ यहाँ का, लेकिन अध्यक्ष जी का आग्रह रहता है, वो दिन रात यही सोचते हैं कि कैसे लोगों को जोड़े हम उनके साथ, जैसे जोड़े और जोड़ने के कारण ही ये खेल का एक आयोजन है, इसमें भी सारे साथी जुड़ जाते हैं। और बाकी हर संस्था में तो अपना अपना दायित्व रहता, अपना अपना काम रहता है, संगठन चलाने के लिए पक्षपात दोनों रहता है। बट रामू भाई के साथ एक है, जब भी बात करते हैं पत्रकारों के हितों की बात करते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। मैं बहुत उनका आभार मानता हूँ। और ये घर साहब जो खेल रहे थे तो हमारे यही बैडमिंटन की प्रैक्टिस यही करते हैं, और आज विजय को देखा मैं खेलते हुए तो बड़ा आश्चर्य हुआ। और चंदन और ये लोग तो खैर बेहतरीन बने, वो स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट के आदमी हैं, बढ़िया खेल ही रहे हैं। सुशील जी को पहली बार खेलते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन, उमदा प्रदर्शन। देखिए हम तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और सारी प्रतियोगिताओं में जाते हैं, लेकिन आप लोगों की प्रतियोगिता भी कम नहीं है उससे। डबल्स का जो मैच खेलना था, जो अंदर का उत्साह है, युवाओं टाइम के साथ आप लोगों के अंदर, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और नववर्ष को भी शुभकामनाएं देता हूँ। जय जय।